Welcome back in this session. Ansible variable. Variable एक key component है हर programming language के अंदर. यहाँ पे Ansible भी variable का support करता है. तो अभी Ansible variable यहाँ पे समझेंगे कि कैसे define करते variable, कैसे declare करते and कैसे variable को use करते. हम अपने session के अंदर उसका demo section भी देखेंगे जहाँ पे हम एक playbook बनाएंगे उसके अंदर variable define करेंगे and उसको रीयूज भी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं एंसिबल वेरिएबल. सो वेरिएबल क्या है? तो एक सिंपल कॉन्स्टेंट वैल्यू है जहाँ पे आप वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हो और आप उसको रीयूज कर सकते हो. मतलब एज इट आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हो ऐसे ही. हमने वेरिएबल के एग्जाम्पल भी देखे हुए हैं, जैसे कि अपना इन्वेंटरी फाइल है वो एक काइंड ऑफ वेरिएबल ही है जहाँ पे हम एंसिबल होस्ट, एंसिबल अंडरस्कोर यूजर, एंसिबल अंडरस्कोर एसएसएच पासवर्ड यूज करते हैं. एक वेरिएबल ही है हम, मतलब कि हमने पहले भी यूज किया है. अब ये देखना है कि उसको प्लेबुक के अंदर कैसे रीयूज करें, वो हम इस सेशन के अंदर डिटेल में देखेंगे. सो प्लेबुक मतलब बहुत ही इजी है प्लेबुक में यूज करना. वेरिएबल्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड जिसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वार से, मतलब आपने यहाँ पे एग्जांपल में दिखा हुआ है, तो वार से वेरिएबल डिफाइन करते हैं एंड उसके अंदर नेक्स्ट इंडेंटेशन देख के आप वेरिएबल का नाम और वैल्यू असाइन कर सकते हो और इसको आपको यूज कर सकते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर. तो हम देखते हैं. सो डिक्लेरेशन की कितनी मेथड है? तो तीन मेथड है डिक्लेरेशन की वेरिएबल की. आप प्लेबुक के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो. दूसरा है कि आप जो होस्ट नेम दिया है, जैसे अपने YML फाइल के अंदर Ansible प्लेबुक YML फाइल के अंदर होस्ट नेम देते हैं, सेम होस्ट नेम के आप वेरिएबल फाइल बनाओ, उसके अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर दो तो अपने आप होस्ट नेम के सामने वेरिएबल फाइल को लिंक कर देगा. तीसरा ऑप्शन है कि आप वेरिएबल फाइल अपने इन्वेंटरी फाइल में डिक्लेयर करो, जहाँ पे आपके होस्ट नेम के सामने जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, जैसे कनेक्शन टाइप है, यूजर है, पासवर्ड है, तो ऐसे ही आप मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो सेम रो में. दूसरा क्या है कि जब भी वेरिएबल आता है तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि मुझे सिस्टम की इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है रन टाइम, तो कैसे करूँ? जैसे कि मुझे कोई होस्ट नेम यूज़ करना है या तो मुझे आईपी यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करूँ? तो Ansible एक मॉड्यूल है सेटअप नाम का. बेसिकली सेटअप मॉड्यूल पूरा डिटेल आपको डंप कर देगा आपके होस्ट मॉड्यूल का, होस्ट मतलब जो भी मशीन पे आप रन करोगे उसकी बेसिक ऑल इंफॉर्मेशन गेदर करके. उसके अंदर उसके हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन भी रहेगी, उसके आईपी की इंफॉर्मेशन रहेगी, उसके डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन रहेगी. तो ये इंफॉर्मेशन आपको रन टाइम यूज़ करना है आपके प्लेबुक में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए कि मुझे मेरा डिवाइस का मॉडल यूज़ करना है और उसका नोड नेम यूज़ करना है, तो ये उसका मेथड है यूज़ करने का कि Ansible फैक्ट यूज़ करना है जो मतलब ठीक रहेगा. उसके बाद ये जो है जेसन की वैल्यू है जहाँ पे की पेयर हम वैल्यू मैप करते हैं कि डिवाइस के अंदर XVDA मॉडल के अंदर एक्चुअल मॉडल का नाम क्या रहेगा. सो डिवाइस के अंदर जो XVDA डिवाइस है उसके अंदर मॉडल का नेम आपको मिलेगा. दूसरा है क्या है कि नोड नेम आपको बाहर ही मिलेगा, तो बाहर नोड नेम उसने फर्स्ट रो में यूज किया हुआ है. ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे मॉड्यूल की इंफॉर्मेशन निकालते हैं इन अपने डेमो सेक्शन में. तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं. हम ये होस्ट इन्वेंटरी फाइल का एग्जांपल है एंड नीचे जो एग्जांपल दिया है वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है प्लेबुक के अंदर, जहाँ पे हमने HTTPD पोर्ट दिया है एंड प्रोजेक्ट का रूट पार्ट दिया है. यहाँ पे हम उसको रीयूज करी वेरिएबल को प्लेबुक के अंदर. यहाँ पे हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए एंड प्लेबुक के अंदर हमने यूज किया है प्रोजेक्ट अंडरस्कोर रूट नाम का. आप देख सकते हो कि कॉपी नाम के जो हमने मॉड्यूल यूज किया उसके अंदर सोर्स फाइल हमने फिक्स रखी है, बट डेस्टिनेशन कौन से लोकेशन पे कॉपी करना है यहाँ पे हमने उसको प्रोजेक्ट अंडरस्कोर रूट मतलब हमने वेरिएबल यहाँ पे पास किया. डायरेक्टली हमने यहाँ पे पाथ नहीं दिया. ओके अभी हम देखते हैं कि वेरिएबल को कैसे यूज करते हैं, उसके लिए हम एक प्लेबुक का एग्जांपल देख लेते हैं. तो ये अपना वेरिएबल का प्लेबुक है. यहाँ पे आप देख सकते हो हमने क्या किया कि तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, सर्विस नेम, प्रोजेक्ट अंडरस्कोर रूट एंड फाइल नेम, मतलब तीन वेरिएबल है यहाँ पे. उसके अंदर हमने पहला जो टास्क बनाया जिसके अंदर अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल करे, तो पैकेज के अंदर हमने HTTPD नहीं डायरेक्टली पास किया, यहाँ पे उसकी जगह पे हमने सर्विस नेम पास किया. सर्विस नेम के अंदर हमारी वैल्यू है HTTPD. नेक्स्ट है कॉपी किया हमने फाइल index.html, तो उसके जो
पाथ है जो वार WWHTML पाथ है, एंड जो फाइल का नाम भी हमने यहाँ पे दिया है कि यही नाम का आप कॉपी पेस्ट करो। उसके बाद हमने किया कि सर्विस को इनेबल किया है ऑन रिबूट, तो यहाँ पे भी हमने सर्विस अंडरस्कोर नेम पास किया है, एंड लास्ट है जो सर्विस को हमने रिस्टार्ट किया है यहाँ पे भी हमने सर्विस अंडरस्कोर नेम पास किया जो है HTTPD। कंसोल में चलते हैं इसको एग्जाम्पल रन करने के लिए। सो कंसोल में अपनी प्लेबुक रन करने से पहले एक बार हम सेटअप मॉड्यूल भी देख लेंगे। तो सेटअप मॉड्यूल कैसे रन करते मैं बताता हूँ। तो आंसिबल ये कमांड लाइन पे ही रन होगा, मैं अभी लोकल होस्ट पे रन कर रहा हूँ। आप जो भी होस्ट पे आपको रन करना है और यहाँ पे नाम दे सकते हो -m ये मॉड्यूल सेटअप, सिंपल है, ये पूरी आपकी इंफॉर्मेशन मॉड्यूल की आपको दे देगा। तो इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा रहेगी, तो इसमें से आपको फिल्टर आउट करने के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि मुझे कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो हम फिल्टर आउट करते हैं। तो फिल्टर आउट कैसे करते हैं बताता हूँ। आंसिबल लोकल होस्ट मतलब कहाँ पे रन करना है, मॉड्यूल सेटअप, और फिल्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं फिल्टर दे रहा हूँ। फिल्टर क्या फिल्टर करना है, आंसिबल अंडरस्कोर होस्ट नेम, डन। तो ये आपका होस्ट नेम ही खाली ढूंढ के लेके आएगा। सेम एज में इसको नोड नेम भी कर सकता हूं, तो ये नोड नेम ढूंढ के आएगा। तो आप यही वैल्यू आंसिबल फैक्ट से यूज कर सकते हो, सिंपल है। मतलब कि आप सेटअप मॉडल से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और ये इसको रीयूज करना है आंसिबल अंडरस्कोर फैक्ट से। अभी अपना वेरिएबल का जो एग्जांपल है उसको मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने जो HTTPD.yml बनाया है जहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए, एंड यहाँ पे उसको हम रीयूज कर रहे हैं। तो अभी प्ले बुक को मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, आंसिबल प्ले बुक HTTPD.yml। मैंने लोकल होस्ट अपने इन प्लेबुक में दिया है, इसको अभी हाइफन आई इन्वेंटरी नहीं पास किया है अपने। सो इंस्टॉल अपाचे सर्वर उसने स्टार्ट किया जहाँ पे अपने वेरिएबल पास किया था सर्विस अंडरस्कोर नेम। ओके सो अपने तीनों के तीनों टास्क एग्जीक्यूट हो गई है। अब ये काम करते हैं, पहले हम index.html को गेट करते हैं। तो ये अपना index.html जो हमने कॉपी पेस्ट किया था जिसके अंदर लिखा था अपाचे इंस्टॉल बाय द अनसीबल, एंड हमारे अपाचे ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया था। मैंने w गेट करते हैं लोकल होस्ट, एंड यहाँ पे अपने को index.html वापस मिलेगा रिस्पॉन्स के अंदर, बट ये नंबर 2 हो गया है, तो हम उसको ओपन करते हैं .2, तो सेम होनी चाहिए। और index.html भी सेम होनी चाहिए, मतलब हमने जो फाइल कॉपी की वही फाइल अपने को रिस्पॉन्स मिला। मतलब कि अपने दोनों तीनों टास्क प्रॉपरली हो गए जिसके अंदर अपाचे इंस्टॉल हुआ, अपाचे इनेबल किया रिबूट पे, कॉपी किया फाइल, एंड अभी सर्वर प्रॉपरली रनिंग है। एक बार हम सर्विस स्टेटस भी चेक कर लेते हैं, सिस्टम CTL। स्टेटस HTTPD, तो अपनी अभी सर्विस HTTP रनिंग है। सो ये था वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करें, उसको कैसे रीयूज करें, उसका सेशन अगले सेशन में हम देखेंगे कि आंसिबल के अंदर कंडीशन कैसे हैंडल करते हैं।